खाना खाए हैं भैया? भैया রাতে এখানে ঘুমাবে কাকু? কি হয়েছে তেল ও কাকু? দাঁড়াও দাঁড়াও। और वीडियो के एंड में मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग सब लोग एंड का वो पार्ट ज़रूर देखना। गाइस यार रात का टाइम है, प्रैक्टिस करा के अभी घर लौट रहा हूँ। काकू, ओ काकू, तू खेचो खाना खाए हैं? भैया, ओ भैया, भैया, ओ अंकल, अच्छा ठीक है, आपके पास ही रख देते हैं। बहुत क्या काम करते हैं आप लोग? काम करते हैं कुछ? हाँ, ठेला पल्ला से काम करते, ठेला चलाते हैं। वो अंकल उसके खाने क्या करेगा यार, यही दुनिया क्योंकि बहुत अमीर रईस घर में बैठा हुआ है, किसको यार खाने के लिए भी पैसा नहीं, बहुत मेहनत से आदमी पैसा कमा रहा है। ऐसा भी होता है कि मान लो ये बोल रहे हैं कि ठेला चला रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ ठेला चला रहे हैं और घर इसका फैमिली भी है जैसे गांव गांव में, तो उनको भी पैसा भेजना पड़ता है। तो यार ये लोग बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं अपने लाइफ को, बहुत ज़्यादा कम मतलब दिन में खाते हैं रात को नहीं खाते क्योंकि पैसा बचा कि उधर भी भेजना पड़ता है, ये सब चीज़ मैं समझ सकता हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे एक भैया, भैया ओ भैया, भैया भैया खाना खा लिए? ले लीजिए खाना लीजिए, मुंह तो खोलिए। ले लीजिए और ले लीजिए पानी, ठीक है? इतना ठंडा में सो रहे, ठंडा नहीं लग रहा है? क्या काम करते हैं? हाँ क्या करते हैं? नहीं सुना है? अच्छा खा लीजिएगा। ठंडा में तो फिटूर है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, देखता हूँ इनके लिए कुछ कम्बल वम्बल मिल जाए तो। दुकान भी बंद हो गया, मार्केट यार पूरा बंद हो गया, अभी टाइम भी हो गया ना साढ़े 10 बज गया, চাদর আদর পাওয়া যাবে না কোথাও? কারো কাছে নেই? ভাই চাদর উদর নেই হবা? খত্তা মতলব কিসকে ইয়া মিলেগা আবি কোই নি দেগা, নিকাল কে একটু দে দা কোই ভি। ইয়াহ পে রহতে হ্যায় আপ? রোজ ইয়াহি পে সোতে হ্যায়? হ্যাঁ ঠিক আছে, कल मैं आता हूँ। बस आगे से रहते हैं, आंटी देखो है ना, देखो कुछ तुम्हें खेचो खाओ नी की खाबे জল খেলে হবে? মনোহর, 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 মনোহর নাম, মনোহর, মনোহর, হ্যাঁ মনোহর। ভালো থাকবে। আর আরেকটা কথা, হ্যাঁ মার বাবার সেবা করবা, মা বাবার মনে দুঃখ দিবে, মা বাবাকে দুঃখ দেবে, মা বাবার দুঃখ দিলে সে
আচ্ছা মা বাবার আশীর্বাদ বড় আশীর্বাদ হ্যাঁ যত তিক্তই করো তত দা করে তুমি মা বাবার সেবা করো सब ऊपर देख रहा है सबका अदर इस दुनिया में उन लोगों सबको मिलेगा तो यही सब बात बोली मुझे और लास्ट में उन्होंने बोला कि इतना ठंड है लेकिन मेरे पास अभी एक ब्लैंकेट नहीं है कि मैं ओढ़ के बैठ सकूँ यहाँ पे तो मैंने बोला कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि कल क्यों ना उनसे थोड़ा एक बार मिला जाए मैंने उनको बोला कि कल आपसे मिलता हूँ मैं चलिए कल आपको मिलवाता हूँ पहले तो दीदा तो खेतो हाँ है ना बेटा खेने में खावा रहते इटाते हाँ खावा तुम्हारे जन में सब्जी सब्जी है सब्जी और रोटी ठीक है ये लो ये ठीक है अभी ठंडा आ गया ना तो इसको ओढ़ के सोना ये ब्लैंकेट ठंडा लगता ना रात को इसको ओढ़ लेना ठंडा नहीं लगेगा ये खा लीजिएगा ठीक है और ये रात को देह में चापा दे के सो जाएगा ठंडा नहीं लगेगा खोल दूँ मैं खोल दूँ दीदी आंटी बहुत भूखी लग रही है ये लीजिए रोटी है इसमें और इसमें सब्जी है ठीक है इसको यहाँ पे रख लो और ये रोटी है इसमें ठीक है सब्जी रोटी ठीक है खा लो एक दूसरे को बेटा रात्रि वाला गाय चापा दिए घुमाबे ठीक है हमें आसती अब देखा हो ना ना खाओ आराम से দাও বিড়ি আরে কত আমি যাই না কোন একটা দিয়ে দাও 10 টাকা হ্যাঁ দিয়ে দাও 1 টাকা 11 টাকা হ্যাঁ দাদু কেমন আছো খেয়েছো কিছু না তোমার জল খাওয়ার তোমার বিড়ি দেখলাই আর এটা ঠান্ডা চলেছে খুব তুমি রোজ ঘুমাও এখানে তাই জন্য এটাও পড়ে ঘুমাবে ঠিক আছে আর ঠান্ডা লাগবে না তো আর আজকাল দেখতে পাই না কেন এখানে ওদিকে ছিলে আমি রোজ এতে খুঁজে যাই তোমার থাকবে ঠিক আছে এমনি ভালো তো শরীর ভালো তো গলা বসে গেছে ঠান্ডা তো আমারও মেরে ওপর ভি সর্দি হো গিয়া হিন্দি পারো কথা বলতে হিন্দি পারো না চলো ঠিক আছে আবার দেখা হবে হ্যাঁ চা চা সকালে চা চা খালে না এটা ওরে ঘুমাবে কিন্তু তুমি ঠিক আছে চলো ইয়ার আমি এক দিনই বাজ গই হ্যাঁ দাদিজি যে রাত কো মুঝে বল লি থি কি আপকো আগর কুছ দেনা হ্যায় মুঝে তো ইয়ার এক পয়সা না দেকে এক চাদর দে দো মুঝে বহুত ঠান্ডা লাগতা হ্যায় আবি দাদিজি কো খোঁজতা হুঁ মে আব দেখতে হ্যায় কি দাদি বেঠি হ্যায় কি নেই ইয়ার कल बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए यार मुझे बस एक ब्लैंकेट दे दो क्योंकि बहुत ठंडा लगता है देखते नदी तो बैठी है बोलो
এটাতে ফল আছে ফল কি ফল এটাতে অ্যাপেল এনেছি অ্যাপেল তুমি তো খাও না না অন্য কিছু কালকে এসেছিলাম না তোমার সাথে দেখা করলাম রাত্রিবেলা তুমি বলেছিলে তো আমার কিচ্ছু লাগবে না শুধু একটা ব্ল্যাঙ্কেট চাই একটা ওড়নার জন্য ব্ল্যাঙ্কেট চাই এটা কম্বল কম্বল চলো দিদা ভগবানের কাছে কামনা করো যে বড় লোক হয়ে যায় তোমাদের মতন অনেক জনের আমি ঘরে বাড়ি বানিয়ে রাখতে পারি যাতে দোকানও বন্ধ হয়েছে নাহলে আমি কিনেই দিয়ে দিতাম পারবে গো হ্যালো দিদা হ্যাঁ ঠিক আছে অর্ড দেখতাম লাস্ট বার রাউন্ড মারছে শায়দ কই দিক যায় ফিলহাল তো মেরে পাশে দেনে লাইক কুছ ভি নেই হ্যাঁ ফির ভি দেখ কে রাখতা হুঁ ইয়ার কল আগর মৌকা মিল যায় মুঝে অর লোগো কি মদদ করনে কি কিউকি ইয়ার অ্যাটলিস্ট পুরা কলকাতা তো মে নেই পড় সকতা তো আপনে লোকালিটি মে থোড়া মোড়া মে দেখ সকতা হুঁ কে যো দিদা হাওয়া দা হয়েছে কি খেলে কি খেলে কি খেলে খেয়েছো কিছু খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি খেলে ভাত আনছিলে এখানে রাত্রিবেলা এখানে থাকো আচ্ছা আচ্ছা চার পাঁচটা মটন ছিল আচ্ছা তারপরে সকালবেলা মধ্যে ভরে নিয়ে চলে এসেছি ওই ব্যাগটা স্টেশনে নিয়ে শুয়েছি রাজু মদ খাইয়ে রাতে ঝামেলা করে এখন কি এখানে ঘুমাবে তুমি রাতে এখানে ঘুমাবে রাতে এখানে ঘুমাবে ঠিক আছে আমি তাহলে পর কম্বল কালকে নিয়ে আসছি তোমার জন্য একটা কম্বল এনে দেবো চাপ নেই চিনো আমি তোমার এখানেই থাকি ঠিক আছে আসছি হ্যাঁ কালকে তুমি এখানে থাকো তো কালকে পাবো এখানে কালকে পাবো এখানে তোমাকে রাতে পাবো এখানে ঠিক 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 আছে আমি আসছি আচ্ছা ঠিক বলা না কি আপনি লোকালিটি মে ঘুমে গো তো ইতনা আদমি আপকো মিল জায়েগা রাত কো কি মে ক্যা বাতাউ দিদা জো থি ইয়ে ওয়ালি ये बोल रही थी कि ये उनको पास सब कुछ था मॉर्टिन था कंबल था सब एक बैग में रख के वो वहाँ पे स्टेशन पे सोई हुई थी सुबह उठ के देख रही है उनका सब गायब हो गया अभी बोल रही है कि कल वो तो एक दो आदमी को लेके जाएंगी पता करने के लिए शायद कोई दारू वारू पी के उनका वो सब ले लिया है जी बोलो बाबू जी हो जाए तेल बोतल आते बोतल बोतल आते जलर बोतल আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি সামনে পাম্প নেই রথতলায় পাম্প আছে তো কী করে যাবে আমি দিয়ে দিতাম আছে আমার আছে
পা দিয়ে খেলে দেবো। আরে আমার নিজেরই খারাপ লাগবে। অঙ্কল শর্মা রে হেল্প তো হেল্প করে দিতে পারো। রুকতে সন্দু পানি কা বোতল ভি নিল কাকু। ও কাকু দাঁড়াও দাঁড়াও কাকু। একটা এ দাও না, এটা মগ, এটা কত? 20 টাকা। এটা দিয়ে দাও। ये अंकल जाएंगे इतना दूर रास्ता लगा, कम 1.5-2 किलोमीटर है। अंकल अच्छे अच्छे हेल्प नहीं मांग रहे। थैंक यू। रोड वाला बहुत दूर, तू जावे की कोड़े। अंकल का थोड़ा हेल्प हो जाएगा तो अच्छा होता ना, इतना दूर जाएंगे पैदल। और मुझे अभी वो बोतल भी नहीं मिला, इसलिए मैंने एक मग ही खरीद लिया। डेढ़ किलोमीटर तुम ही अमर जावे हेटे हेटे। चलो चलो तो अच्छा दो अंग अरे को बन जाए बस स्टार्ट दो देखिए स्टार्ट होते नहीं मोस्ट वेलकम। ठीक से आप जाना जी हो। चलो यार अंकल का भी बाइक ठीक हो गया। अरे ठीक है हमें भाजी तुम्हें जाचो एत दूर इतना दूर एक पैदल की कोड़े जाते धक्का दिए गाड़ी नहीं जावा अनेक टफ। चलो जाओ भाई बस। चलो यार हम लोग भी चलते हैं अभी घर। का हेल्प कर पाया बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या बात हो सकता है। अंकल देखो अभी कितना आराम से जा सकते हैं घर, वरना थोड़ा देर पहले ही धक्का मार के जा रहे थे। जो हेल्प करके यार बहुत अच्छा फील होता है मुझे अंदर से, सीरियसली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, है ना। और रह के भी नहीं देना ये बहुत गलत बात है। तो गाइज यार आप लोग ने वीडियो को देखा और मुझे लगा कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगा होगा। यार मुझे पता है वो फीलिंग जो मैं फील करता हूँ वो आप लोग फील कर रहे थे उस टाइम में सिर्फ देख के। और मान लीजिए आप लोग वो चीज़ करिएगा तो कितना अच्छा फील होगा आप लोगों को। एक छोटा सा मेरे तरफ से था ऐसे, ये सब चीज़ शो ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा काम है आप लोग को इन्फ्लुएंस करना। और इन्फ्लुएंस करके आप लोग जितने सारे मेरे अभी फैमिली है 1,72,000 के, तो उन लोग को अगर थोड़ा सा भी यार उन लोग मैंने सब लोग थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करने लगे इधर उधर ना, तो यार बहुत अच्छा होगा हम लोग सब के लिए यार। और लाइफ को में सक्सेस के लिए यार इससे कुछ भी अपने आसपास देखिए, अपने लोकेलिटी में देखिए, बहुत सारे ऐसे आदमी मिल जाएंगे आप लोगों को। एक मिनट बाहर निकल के देखिए, तो आप उन लोग को मदद कीजिए यार, उन लोग को ऐसे बहुत। अभी थोड़ा विंटर का सीजन चल रहा है तो मैंने जैसे थोड़ा एफर्ट दिखाया थोड़ा, और ऐसे बहुत सारे रहता है जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं करता हूँ, हर टाइम आप लोगों को दिखाना पसंद नहीं लगता मुझे उतना। तो इसीलिए यार ये थोड़ा सा एक चीज़ था आप लोग के लिए, एक मैसेज था मेरी तरफ से। तो यार प्लीज़ आप लोग कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि जो लोग आसपास में अपने पूरा सराउंडिंग्स में लोकल्स में थोड़ा समझ रहे हैं ना, बात बाकी आप लोग खुद समझदार है। और मेरी तरफ से जितना हो रहा है मैं अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के सपोर्ट से। यार इतना सपोर्ट करो यूट्यूब से, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मैं सब में, मतलब पहले तो मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था और अभी फिलहाल है तो मैं क्यों ना करूँ, ठीक है। और जो लोग भी भाई बोलते हैं कि यार मेरे पास काश होता तो यार 20-25 रुपये किसी को खाना देने के लिए, ये अगर आप लोग के पास नहीं है तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। 50 रुपीज़ के अंदर भी खाना अच्छा से पेट भर आ जाता है, तो समझ ही लीजिए आप लोग। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना यार, थोड़ा मेरे जो फैमिली मेम्बर्स लोग हैं यूट्यूब के उन लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा अच्छा काम कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, देखिए ना कैसा अच्छा लग रहा है, थोड़ा करके देखिए आप लोग को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना आगे बढ़ाने के लिए। मुझे 5,00,000-1,000,000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा कम्युनिटी ऑफ फैमिली फ्रेंड चाहिए यूट्यूब पे जो मुझे सपोर्ट करे जैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में।